टीवी इंडस्ट्री की नई सनसनी उड़ानिया की जैस्मिन यानी कि ईशा मालवीय, जिसने पहले ही सीरियल से कर दिया इतना कमाल कि बस वो बन गई टीवी की सबसे सुंदर और सबसे कम उम्र की वैम्प। जैस्मिन भले ही नेगेटिव कैरेक्टर बन चुकी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्टिंग में जैस्मिन बनी ईशा का जवाब नहीं। असल जिंदगी में कैसी है ईशा मालवीय यानी कि उड़ानिया की जैस्मिन, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए ईशा मालवीय का बर्थडे, बर्थ प्लेस और उनकी पढ़ाई वगैरह के बारे में। तो आपको बता दें, ईशा मालवीय यानी कि जैस्मिन का जन्म 2 नवंबर 2003 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। उनके पिता आशीष मालवीय राज्य के शिक्षा विभाग में क्लर्क है, जबकि उनकी मॉम हाउसवाइफ है। ईशा मालवीय हमेशा से एक डांसर बनना चाहती थी और डांस रियलिटी शो बुगी बुगी में पार्टिसिपेट भी किया था और तीसरे स्थान पर रही थी। ईशा मालवीय टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। 13 साल की उम्र में ईशा मालवीय ने मॉडलिंग शुरू कर दी और मिस टीन आइकन इंडिया 2018, एमपी की शान, मिस एलएनसीटी ओपन प्रतियोगिता की सेकेंड रनर अप रही। 2021 में उन्हें रवि दुबे सरगुन के साथ टीवी इंडस्ट्री में शुरुआत करने का मौका मिला और सरगुन मेहता ने उड़ानिया में ईशा को बनाया जैस्मिन कौर संधु और बस इसी के साथ ही छा गई जैस्मिन और हर जगह जैस्मिन का जलवा देखने को मिल रहा है। ईशा मालवीय 2017 में मिस मध्य प्रदेश का भी खिताब जीता और बाद में 2018 में मध्य प्रदेश की शान बनी। ईशा यानी कि जैस्मिन अपने डांस मूव से फैंस को दीवाना बनाती है, उनके डांस का जवाब नहीं। इसके अलावा वो फैशन ब्लॉगर भी है। ईशा मालवीय के करियर की बात करें तो बचपन में इनको पायलट बनने का बड़ा ही शौक था और वो सोचती थी कि एक दिन वो आकाश में प्लेन उड़ाती नजर आने वाली है, लेकिन जैस्मिन के लिए तो ये उड़ानियां लिखी थी। तो बस इनका ध्यान टीवी जगत की ओर गया, जिसके बाद इन्होंने अपना करियर इसी में बनाने का डिसीजन लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईशा महज 17 साल की है और अभी वो 11वीं की पढ़ाई कर रही है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान ये भी पता चला कि ईशा को जैस्मिन और तेजो दोनों के लिए ऑडिशन देने को कहा गया था, लेकिन ईशा ने खुद ही सोचा कि तेजो का किरदार बहुत ही मेच्योर और शांत सी रहने वाली लड़की का है, जबकि ईशा को बहुत सारी बातें करना पसंद है और हर चीज का जश्न मनाना वो पसंद करती है और यकीन रखती है। तो यानी कि वो बिल्कुल जैस्मिन की तरह है, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें यही रोल करना चाहिए क्योंकि इसके साथ वो अच्छी तरह से न्याय कर पाएंगी। इतना ही नहीं, जब ईशा से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि असल जिंदगी में क्या वो जैस्मिन जैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल जैस्मिन की तरह ही है, बातूनी, चार्मिंग, और इसी वजह से जैस्मिन का किरदार वो आसानी से कर पाती हैं। सीरियल में जैस्मिन का कनाडा ऑब्सेशन तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में किस चीज को लेकर है ईशा यानी कि जैस्मिन जुनूनी, तो आपको बता दें, जैस्मिन यानी कि ईशा को है कपड़ों का बहुत शौक, तो जमकर करती है शॉपिंग। क्या ईशा किसी को डेट करती है, तो इसके बारे में अभी तक सिर्फ यही रूमर्स हैं कि वो अपने को स्टार फतेह के भाई अमरीक यानी कि अभिषेक को डेट कर रही है। ईशा और अभिषेक का ब्लॉग भी चलता है अभिषा ब्लॉग्स के नाम से, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों अपने को सिर्फ दोस्त ही बोलते हैं। ईशा कई हिंदी और पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स में भी काम कर चुकी हैं, जैसे बी प्रॉक द्वारा जिसके लिए, सोहेल खान द्वारा तू मिलिया और म्यूजिक स्टार बम बम में दिखाई दी। 17 साल की उम्र में लीड रोल उड़ानिया में मिलने से ईशा अपने आप को बेहद लकी मानती है, लेकिन इसके साथ साथ वो मानती है कि इसके लिए उन्होंने मेहनत भी की और साथ ही संघर्ष भी। ईशा मालवीय नेशनल लेवल पर डांसर रह चुकी है, उन्होंने कई डांसिंग रियलिटी शो में ऑडिशन दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने शो के प्रमोशन के लिए वो डांस दीवाने में गई थी, तो वो वहां पर बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि उन्होंने उस शो के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन इन रिजेक्शंस ने कभी भी ईशा को झुकने नहीं दिया और आलम यह है कि आज ईशा मालवीय उड़ानिया की जैस्मिन बनकर छा चुकी हैं।